छत्तीसगढ़ जीएस के सीरीज के यह चौथा वीडियो है जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मलकुल वाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ध्यान रखेंगे ये सभी प्रश्न व्यापम द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा, पीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है और उसी प्रश्नों को हम यहाँ पर टेस्ट ग्रुप में दिलाएंगे। चलते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और यह प्रश्न आपको सही आंसर अगर आप पता है तो आप आंसर का क्वेश्चन का नंबर लिख के आंसर ए बी सी डी जो भी आ रहा है वो आप कमेंट करेंगे। चलते हैं, इसका आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका आंसर हम यहां पर बताते हैं, डी ऑप्शन सही है, नारायणपुर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती ये पूछा हुआ है। तो ईब नदी छत्तीसगढ़ में बहती है, केलो नदी बहती है, बोराई नदी बहती है, जबकि पेन्ना नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, जबकि ये कहाँ बहती है तो ये कर्नाटक जिला में, सॉरी कर्नाटक राज्य में बहता है। आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में ढोकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। ढोकू प्रथा एक प्रकार का विवाह है और ये किस जनजाति में किया जाता है वो पूछा हुआ है। इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है ढोकू विवाह कोरवा जनजाति में होता है, पहाड़ी कोरवा जनजाति में ये होता है। अगला चौथा प्रश्न है कि मतकू द्वीप किस नदी पर स्थित है। ठीक है, मतकू द्वीप किस नदी पर स्थित है, ये स्थित है बिलासपुर शहर में मतकू द्वीप, ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर है। सी आर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे। पांच का जो आंसर आ रहा है, पांच लिखकर आंसर आप कमेंट करेंगे तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सबसे साक्षर जनजाति है हलबा, दूसरे में गोड़, फिर बैगा, ये क्रम से आप जमा सकते हैं, एक दो तीन। छठवा प्रश्न है कि पंथी नृत्य कौन करते हैं। पंथी नृत्य कौन सी जातियां करती है, जैसे कि उराव, बैगा, सतनामी, सौता, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सतनामी। सातवां प्रश्न है कि किस त्योहार में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती है, तो ये आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन तीजा। ठीक है, ये तीजा जो उपवास होता है वो भादो माह में होता है, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया में होता है। आठवां प्रश्न है, चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है। जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है ये पूछा हुआ है, तो ये लगता है रायपुर जिले में। ठीक है, चंपारण में लगता है रायपुर जिले में, ये पौष माह में लगता है, पौष पूर्णिमा में लगता है चंपारण मेला, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार पौष पूर्णिमा में। छत्तीसगढ़ में निम्न आभूषण नाक में पहना जाता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से नाक में पहनने वाला आभूषण कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, फुल्ली जो है नाक में पहना जाता है, एठी, तीतरी, नांगमुरी। इसको आप बुक को देखकर या अगर आपको पता है तो आप तीनों का आंसर बी सी डी इस प्रकार लिख कर आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और आप डेली वीडियो एनालिसिस या टेस्ट अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। दसवां प्रश्न है कि काचिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरा से जुड़ा हुआ है काचिन गादी जो पर्व है वो। ग्यारहवां प्रश्न है कि सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में है। यहाँ पर चार शिलालेख का नाम दिया हुआ है, सीता बेंगरा शिलालेख, जोगी मारा शिलालेख, किरारी का काशितम्लेख, गुंजी का शिलालेख। तो कौन सा सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है जोगी मारा बी ऑप्शन, जो कि सरगुजा में है और इसका संबंध मौर्य काल से है। कई बार वो भी पूछ लिया जाता है कि जोगी मारा का संबंध किससे है, तो मौर्य काल से है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अगला बारहवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर आप जा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, इसका सही आंसर हम बताते हैं, इसका सही आंसर है खरौद ए, छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले प्रथम भोसला सेनापति कौन थे। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में आक्रमण करने वाले प्रथम भोसला सेनापति कौन थे,
इसका सही आंसर है नीलूपन। 1770 ईस्वी में दलपत देव के समय इन्होंने शासन किया था, आक्रमण किया था, और ये भोसले सेनापति अर्थात मराठा सेनापति था, नीलूपंत, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बस्तर के 1910 बस्तर ईस्वी में हुआ था, बस्तर 1910 ईस्वी में हुआ था बस्तर में भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुआ था, यह पूछा हुआ है। इसका सही आंसर लिया गया है सुवर्ण कुंवर। कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिला से है, तो कंडेल गांव सत्याग्रह का संबंध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से है, जो कि 1922 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, सॉरी 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, हमने सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह जो कि 1922 में हुआ था उसको बता दिए थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहां हुआ था, छत्तीसगढ़ में तीन मजदूर आंदोलन हुए हैं 1920 में, 1924 में, फिर 1937 में। तो पहला जो मजदूर आंदोलन हुआ वो कहां हुआ था, तो वो हुआ था राजनांदगांव में बीएनसी मिल राजनांदगांव जो है मजदूर आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, और जो पहला आंदोलन हुआ था वो 36 दिनों तक चला था, और ठाकुर प्यारेलाल इसके नेतृत्व करता थे, कौन थे नेतृत्व करता, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। और तीन मजदूर आंदोलन हुए हैं अब तक। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, पहला जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन में देखेंगे तो 1920 पहला समझेंगे आप, लेकिन वो नहीं है, वो कंडेल नहर सत्याग्रह है, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 है, जबकि जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो ये रसोई गैस से संबंधित है, ए बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ देखेंगे शिक्षा के लिए क्या स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना लाया गया है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, चिकित्सा के लिए लाया गया है खूबचंद बघेल के नाम से, उसी प्रकार रसोई गैस जो है उज्ज्वला योजना से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डीपाडीह जो कि सरगुजा में स्थित है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, यह पूछा हुआ है, ठीक है, किस नदी के तट पर है यह पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर है कन्हा नदी, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है मड़वा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है, हमने आपको बताया था कि रायगढ़ में एनटीपीसी, जांजगीर चांपा में क्या है, तो एमटीपीसी कह सकते हैं, मड़वा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट गवर्नमेंट का है ये मड़वा, और जांजगीर चांपा इसका सही आंसर होगा। बिलासपुर में भी है एनटीपीसी, कोरबा में भी है एनटीपीसी, अब ये कहाँ कहाँ है वो भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि कोरबा में जमनीपाली है, जमनीपाली, बिलासपुर में कहाँ है तो सीपत है, रायगढ़ में कहाँ है तो लारा है, जबकि जांजगीर चांपा में कहाँ है तो चांपा है, मड़वा नामक स्थान पर, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक सर रखते हैं, 20 प्रश्न हमने देखा जो कि भृत्य चौकीदार भर्ती जो कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है, फॉरेस्ट विभाग द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए, पुलिस विभाग में भी वैकेंसी निकला हुआ है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी निकला हुआ है, तो कई सारे वैकेंसी निकले हुए हैं जिसके लिए आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा।